बच्चों के लंच बॉक्स हो या सुबह का नाश्ता, बनाना हो कुछ जल्दी और खाना हो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, तो बनाए ये झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी। आप इसे शाम के चाय के साथ नाश्ते में भी इसे खा सकते हैं। इसे आप धनिया पुदीने की चटनी चाहे सॉस किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ही हेल्दी भी है और झटपट ये बनकर रेडी भी हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे बनाएंगे? तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये लौकी ली है, गोल वाली। आप कोई भी लौकी ले सकते हैं और उस लौकी को हमें ऊपर से साफ कर देना है और इसे हमें छीलकर साफ कर लेना है। तो ये मेरी गोल वाली है, तो मैं इसमें आधा कट कर ले रही हूँ, आधा का मैं इस्तेमाल करूंगी। आप कम या ज्यादा जिस तरह से भी बना रहे हो उस क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा ही बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आधा जो लौकी हमने लिया है उसके बीज को हम साफ कर लेंगे, बस इसका ऊपर वाला हिस्सा लेना है। मैंने छिलके साफ कर लिए हैं, बीज को भी साफ कर लिया, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी। यहाँ पर मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप लौकी का इस्तेमाल किया है। आप जिस हिसाब से भी बनाइएगा उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप लौकी के लिए 1 कप मैं सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 कप सूजी, 1 कप लौकी और 1/4 कप हम दही लेंगे। और इसमें तीखे के लिए, थोड़ा तीखा चटपटा बनाने के लिए मैंने 4 हरी मिर्च ली है, वो भी तीखी वाली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ और थोड़ा सा धनिया पत्ता ली हूँ। साथ में मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ और इन सभी को बिना पानी डाले हुए हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये मैंने बिना पानी डाले हुए ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि लौकी में खुद ब खुद पानी होती है, इसलिए अच्छे से ये पिस चुकी है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। याद रखिएगा कि आपको जब नाश्ता बनाना हो उसी वक्त आप लौकी को काटिएगा, चाहे ग्राइंड कीजिएगा, नहीं तो अगर साइड में थोड़ी देर आप रख दीजिएगा तो ये काली पड़ जाती है। तो हमें तुरंत ही बनाना है, तो मैंने उसे साइड रखा है और तब तक तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पर तड़का के लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल में मैं डाल दे रही हूँ 1 छोटा चम्मच काली वाली सरसों, राई, 1/2 छोटा चम्मच मैंने चना दाल लिया है और 1/2 छोटा चम्मच मैंने उड़द दाल लिया है। इन सभी को थोड़ा सा चटकने देंगे। जब हल्का सा ये चटक जाएगा तो मैं इसमें मूंगफली डाल दे रही हूँ। मैंने 1 टेबलस्पून मूंगफली डाला है। अगर आपके पास मूंगफली नहीं है तो आप यहाँ पर काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मूंगफली को हल्का सा इसमें भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब मूंगफली रोस्ट हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ करी पत्ता। यहाँ पर मैं करी लिप्स डाल दे रही हूँ, मैंने 15 करी लिप्स डाला है और 1 पिंच हींग डालेंगे। इससे जो हमारा नाश्ता बनेगा ना वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ये फ्लेवर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हींग और करी पत्ता। तो ये अच्छे से चटक गया है, तो मैं अब इसको डाल दे रही हूँ लौकी के बैटर में जो हमने ग्राइंड करके रखा है, लौकी और सूजी के, और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो आप डाल सकते हैं, पर जो हमने ग्राइंड किया है उसमें पानी की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और जब आपको बनाना हो उस वक्त आप इनो डाल लें। तो मैंने 1/2 छोटे चम्मच इनो डाला है, उसमें 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये एक्टिवेट हो सके, और इसे हमें मिक्स कर लेना है। इसे आप पहले से मिलाकर ना रखें, जब आपको बनाना हो तभी आप इसे मिक्स कीजिए। मैंने गैस पर 1 अप्पे पैन लिया है, 1 अप्पे पैन में मैं घी डाल रही हूँ। आप यहाँ पर घी चाहे ऑयल जो भी आपको इसमें लेना है आप डाल सकते हैं। तो 1/2 छोटे चम्मच थोड़ी थोड़ी सी मैं घी डाल दे रही हूँ और घी को अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ 1 अप्पे मोल्ड में। मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और
ये जो थोड़ा सा हमारा घी पैन में है उसमें मैं डाल दे रही हूँ सफ़ेद तिल। इससे नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जब ये हल्का सा इसे चटकने देंगे, जब ये हल्का सा चटक जाएगा तो एक स्पून एक बड़ा चम्मच के लगभग मैं इसमें बैटर डाल दे रही हूँ लौकी का अपे पैन में। तो इस तरह से सारे को मैं फील कर लूँगी बैटर डालकर, और उसके ऊपर से भी मैं थोड़ा सा वाइट तिल मैं डाल लूँगी। इससे देखने में नाश्ता बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं सभी में ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी डाल दे रही हूँ, और इसे हम ढककर एक से दो मिनट तक ढककर पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पर। हमें फ्लेम को हाई नहीं रखनी है, हमें फ्लेम को लो ही रखनी है। और ये देखिए, एक से दो मिनट के बाद ये हमारा जो अप्पे है वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है, और ये अच्छे से ये निकल भी जा रहा है साइड से। तो यहाँ पर मैं लगभग सभी को निकाल लूँगी इसी तरह से चम्मच की सहायता से। मैंने सभी को इसमें उलट दिया है, निकालूंगी नहीं, इसे मैं उलट दूंगी। और उलट कर इस स्टेज पर हम इसे ढकेंगे नहीं, इसे बस एक से डेढ़ मिनट और हम बिना ढके इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड से ये क्रिस्पी हो गई है। अगर आप चाहें तो दूसरे साइड भी जब आप पका रहे हो तो उस वक्त आप घी या तेल डाल सकते हैं और क्रिस्पी करने के लिए। तो मैंने सभी को निकाल लिया है, और ये जो हमने अप्पे बनाए हैं, जितना हमारा बैटर है उसमें 24 अप्पे बनकर तैयार होते हैं, 24 अप्पे हमारे ये बनकर रेडी हुए हैं। इसे आप धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ, चाय सॉस के साथ इंजॉय कीजिए। हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो आप लंच बॉक्स, नाश्ते, शाम के साथ चाय के साथ ले सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक